चला जा, वरना गाय के साथ साथ तेरे भी टुकड़े कर डालूंगा। दास संभालो इसे। अब कुछ दर्द सही हुआ? जी महाराज। ये सब इस गाय की वजह से हुआ है? हैरान मत हो सजना, आज से तुम हमसे एक वादा करो, तुम कसाई नहीं सबके भाई बनके जियोगे। हाँ महाराज, मैं वादा करता हूँ आज से ये काम नहीं करूँगा। तो फिर बोलो सतनाम। सतनाम। गुरुदेव, आज से मैं आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। तू जा मेरी धर्म की माई, जा अब कहीं भी जाकर चल, अब तू आजाद है। हे सूर्यांश, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम गंगी माँ, कहें कैसे आना हुआ? हे सूर्यांश, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब आप मेरी भेंट स्वीकार करें। कौन सी भेंट गंगी माँ? लो रविदास। आज से संघ को नित्य दिन बजाया करें। जी बहुत अच्छे गंगे माँ, और कोई आज्ञा हो तो बताएं। नहीं सूर्यांश, अब कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ। मालिक के यहाँ से सभी मानव एक ही तरह से माँ की कोख से जन्म लेते हैं। सभी मानव का एक जैसा हार्ड मास होता है और एक जैसा खून भी होता है, ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। मालिक जात पात का भेदभाव करके जन्म नहीं देता, बल्कि मानव रूप में धरती पर भेजता है। इसलिए मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। अब इस रविदास का क्या करें हम? इसे जितना ही रोकते हैं ये उतना ही प्रसिद्ध होता जा रहा है। अब लोग इसका सत्संग ही सुनने आने लगे हैं। लोगों का क्या, लोग तो भेड़ चाल चलते हैं, जिधर एक जाती है उधर ही सब चल देते हैं। कहे तो तुम ठीक ही रहे हो, अरे अब तो ये शंख भी बजाने लगा है। हाँ हाँ, बजाने तो लगा है, पर इसका इंतजाम करना होगा, मगर कैसे?
कैसे क्या? इतनी देर में हमने सब सोच लिया है कि हमें क्या करना है। अरे तुम राजा के पास चलो, वहीं इसकी शिकायत करेंगे, राजा अपने आप इसका इंतजाम करेंगे। चलो आओ, चलो आओ। क्या बात है, आप लोग सब चुप क्यों हैं? सेनापति जी, क्या कोई आज फरियादी नहीं आया दरबार में? किसी को और कुछ तो नहीं कहना? जी नहीं महाराज, अब कोई फरियादी नहीं है। तो ठीक है, कल तक के लिए। ठहरो महाराज, ठहरो, ठहरो, हमारी फरियाद सुन लीजिए महाराज। महाराज, हमारी फरियाद सुन लीजिए महाराज। क्या फरियाद है आप लोगों की? रविदास को रोकिए महाराज, वरना हमारा जीना दूभर हो जाएगा। क्यों, क्या किया है रविदास ने? महाराज, रविदास अब शंख बजाने लगा है और शंख बजाकर लोगों को इकट्ठा भी करने लगा है महाराज। यही नहीं महाराज, लोगों को इकट्ठा करने तक तो ठीक था, पर अब तो वो सत्संग भी करने लगा है। तो क्या महाराज, ये अधिकार तो केवल हमको है, क्योंकि हम जाति के ब्राह्मण हैं, उस चमार को नहीं। अच्छा, सेनापति जाओ रविदास को गिरफ्तार करके लेकर आओ। जो आ गया महाराज, सैनिकों। चलो रविदास, महाराज ने याद किया है। महाराज ने हमें याद किया है, ठीक है, आप चलिए, हम पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। किंतु अभी तो मेरे सत्संग का समय होने जा रहा है। देखिए महात्मा जी, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फर्ज के आगे मजबूर। यदि आप इसी वक्त मेरे साथ चलते हैं तो ठीक है, वरना। रविदास जी हाजिर हैं। क्या है महाराज, कैसे याद किया? आपके खिलाफ इन ब्राह्मणों ने शिकायत की है कि आप शंख भी बजाते हैं और सत्संग भी करते हैं, जबकि इनका कहना है कि हम ब्राह्मण हैं, यह अधिकार केवल हमारा है। और आप क्या कहते हैं महाराज? मैं ये चाहता हूँ कि जब ये पूजा पाठ कर्म कांड इन ब्राह्मणों का काम है, फिर तुम क्यों करते हो? ये नहीं करने दो क्या? किसी वेद या शास्त्र में लिखा है मालिक का नाम लेना केवल ब्राह्मणों का ही काम है और किसी जाति का नहीं? यह तो मानव जाति पर अन्याय है। किंतु महाराज, ये तो जन्म जन्मांतर से होता आ रहा है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ये केवल हमारा ही अधिकार है, और हम जनेऊ जो पहनते हैं। जनेऊ पहनते हो, जन्म जन्म से होता आ रहा है। महाराज, ये तो जन्म जन्म से जनेऊ पहनते आ रहे हैं, किंतु मेरे शरीर में तो युगो युगो से जनेऊ विराजमान हैं। मैंने तो दिखावा नहीं किया। दिखावा करता कैसे? जनेऊ होती तो दिखती, जब जनेऊ है ही नहीं तो दिखती कहां से? Thank you.
बस रविदास बस। सतनाम। ये तो घोर आश्चर्य की बात है कि आप मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं इन ब्राह्मणों की बातों में आ गया था। महाराज अपने आप को आप दोषी ना समझें, वो तो मुझे करना ही था जो मेरे मालिक का हुक्म था। महाराज आप इनसे पूछें, इन्हें और कोई शंका तो नहीं है? अब तो हम अपने मालिक का सत्संग कर सकते हैं। क्यों नहीं, अरे अब तो तुम शंख भी बजा सकते हो और सत्संग भी कर सकते हो। हाँ हाँ पंडित जी, अब तो मैंने जनों भी दिखा दिया और तुम्हारा भ्रम भी दूर कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। जनेऊ? जनेऊ तो तुमने पहले ही शल्य क्रिया द्वारा अपने शरीर में रख छोड़ी होगी। शालिक राम को गंगा में तैरा कर दिखाओ तो जाने। मुझे मंजूर है, कब तैरानी है गंगा में शालिक राम? इसका फैसला हम करेंगे। आप ही करें महाराज, और शर्त क्या होंगी? शर्तें? जिसका शालिक राम गंगा में तैर जाएगा और जिसका नहीं तैरेगा वो जीतने वाले की सब बातें मानेगा। नहीं महाराज, शर्तें आज ही तय होंगी। हारने वाला जीतने वाले को पालकी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाएगा। मुझे ये भी मंजूर है। तो ठीक है, कल सुबह गंगा घाट पर दोनों पक्ष अपने अपने शालिग्राम लेकर आ जाना। जाइए सब लोग। मुझे पहले ही पता था महाराज कि वो नहीं आएगा। अगर वो आता तो पहले ही आ जाता। देखिए मैं पूरी तैयारी से आया हूं और मेरे सभी साथी पंडित भी आ चुके हैं। समझ गए ना महाराज? आज ये जनता भी देख लेगी महाराज कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। आ गए आप, बहुत देर कर दी आपने। ये पंडित जी तो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहे थे। सोचने दीजिए महाराज, ये तो इनकी रोज की दिनचर्या है। कार्यक्रम शुरू कराया जाए महाराज। हाँ महाराज, आज सारा भेद खुल जाएगा इस ढोंगी का। आपने ठीक फरमाया है, आज तो ढोंगों की पोल खुलनी ही है। आज ही क्या महाराज, ढोंगी तो पहले भी मूखी खा चुके हैं और ये आज भी मूखी खाएंगे। हाँ तो रामनाथ जी, आप अपने शालिग्राम को पहले गंगा में डालो। जो आज्ञा महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। आप देखिए चमत्कार शालिग्राम का। अब आप अपना शालिग्राम गंगा में डालिए। मेरे लिए तो घट घट में शालिग्राम है महाराज, आप ही कोई पत्थर मंगा लीजिए, मैं तो उसी में मालिक को पालूंगा। आप ही ले आए कोई पत्थर? नहीं महाराज, अगर मैं पत्थर लाया ये विश्वास नहीं करेंगे। महाराज आप ही इन ब्राह्मणों से पत्थर मंगवा लीजिए। भोला राम जाओ।
जी जी महाराज। अब ठीक है। अब रविदास को बुलाइए महाराज। बुलाइए महाराज रविदास को। बुलाइए बुलाइए महाराज बुलाइए। सिरमौर संत शिरोमणि की उपाधि आपको प्रदान की जाती है महाराज। नहीं नहीं महाराज, आप इसके पहन के रखें। अरे पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? सेनापति, पालकी मंगवाइए। जी महाराज, सैनिकों, पालकी को यहाँ लाया जाए। चलिए पंडित जी और उठाइए पालकी। आइए महाराज जी, पालकी में विराजिए। लाज तुझ बिन कौन करे।
रविदास सुनहु रे संतो हे हरिते सब ही सरे हरिते सब ही सरे ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ गुरुजी, कहीं पानी पिया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, प्यास हमें भी लगी है। देखो वो सामने रविदास की कुटिया है, वहीं हम पानी पिएंगे और विश्राम भी करेंगे। देखो आज हमारी कुटिया पर कभी दास आ रहे हैं। पधारिए कबीरदास जी। रविदास जी आपसे मिलने की इच्छा हुई तो चले आए, हमारे शिष्यों को और हमें प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, अभी लीजिए। कबीर जी जल पियो। ये क्या, ये तो चमड़ा भिगोने वाली कठौती का पानी पिला रहे हैं, हमारा तो मन भ्रष्ट हो जाएगा, हमें तो कै हो जाएगी। आप इस पानी को इस कमंडल में कर दीजिएगा, हम जाकर पी लेंगे। जैसे आपकी इच्छा, लीजिए। अच्छा हम चलते हैं। आ गए आप, कहाँ गए थे बापू और अब कहाँ से आ रहे हैं? अब तो रविदास की कुटिया से आ रहे हैं बेटी, जा जल्दी जा और पानी ला, हमें प्यास लगी है। बापू गुरुजी ने हमारे लिए कुछ भेजा? अरे बेटी हमें प्यासे चलाए वहाँ से। क्यों? वो यूं कि आज हमें प्यास लगी थी तो हम वहाँ चले गए, सोचा था कि पानी मिलेगा पीने को, तो उन्होंने हमें चमड़ा भिगोनी कठौती से पानी दे दिया पीने के लिए। फिर क्या हुआ बापू? होना क्या था बेटी कमाली, उस पानी को हमने कमंडल में ले लिया और हम रास्ते में ही फेंक के चले आए। कहाँ है कमंडल बापू?
क्या कर रही हो बेटी? उस तरफ पानी क्यों फेंक रही हो? आखिर ये माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुल्तान शहर में आग लग गई थी बापू, उसे बुझा रही थी। ये क्या कह रही है बेटी, मुल्तान शहर में आग? और तेरे देख भी ली? हाँ बापू, मैंने देख लिया। पर ये कैसे हो सकता है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं सच कह रही हूँ बापू, वहाँ आग लगी थी पर अब बुझ गई है। दीनू, मुल्तान जाकर पता लगाओ, कमाली सही कह रही है झूठ? जी गुरुदेव। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, जल्दी करो, आपको मुल्तान शहर में बुलाया गया है क्योंकि आपके घर में आग लग चुकी है, उसमें आपके पति गिर गए हैं। चलो जल्दी चलो। घबराओ मत, आप सब ठीक हो चुका है, आग बुझ चुकी है। ये सब तुम्हें कैसे पता चला बेटी, पहले तुम ऐसे नहीं थी? ये सब गुरु रविदास के प्रसाद का प्रताप है बापू, उसी के वजह से हुआ है ये चमत्कार, जो आग बुझ गई। वो कैसे? वो जो आप कटौती का जल लेकर आए थे उसी को पीने से। पर वो तो मैंने फेंक दिया था। नहीं बापू, उसमें 3-4 बूंदे बची थी, वो ही मैंने पी ली थी। ओह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। खैर तू इन्हें भोजन करा, मैं अभी आया। रविदास जी, मुझे जल पिलाओ, मुझे जल पिलाओ। आप रुकिए, मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ। लो कबीर जी, जल पियो। मुझे तो वही जल पिलाए कठौती वाला। पिंड भरा रविदास का और पिंड सब खाली, जिस जल को तुम ढूंढते उसको पी गई बेटी कमाली। सोचो मत कविदास जी, आपके भाग्य में वो जल नहीं था, क्योंकि आपके मन में उस जल के प्रति घृणा थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी ही बात थी कबीरदास। मुझे क्षमा करे रविदास जी, आपने मेरी आज आंखें खोल दी, मैं अंधकार में था। आप महान हैं। महान मैं नहीं, महान तो वो है मेरा मालिक सद्गुरु, जिसने हम सबको बनाया है। इसलिए अपने मन को साफ करो, मोह माया को छोड़कर सद्गुरु का नाम जपो, और किसी की हालत को देखकर उसके गुणों का आकलन मत करो। जी आज से ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा तो बोलो सतनाम। सतनाम। अब जाओ और बाकी का जीवन मालिक की भक्ति में लगाओ। अरे मीरा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये जोगन वाला चोला छोड़ दो मीरा, और मुझसे बिया रचा लो, और इस रविदास की पूजा पाठ करना छोड़ दो। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, मैं गुरु रविदास जी की पूजा नहीं छोड़ सकती। कमीने, तू अपना इरादा बदल दे और चला जा यहाँ से। सैनिको! आप लोग मुझे डुबोना ही चाहते हैं तो डुबो दीजिएगा, किंतु एक क्षण के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने गुरु को याद कर लूं।
अरे ये क्या, ये तो मीरा है, इसे तो मैंने डुबवा के मरवा दिया था, अरे ये बच कैसे गई? हाँ मरवा तो दिया था तूने, परंतु मैं अपने गुरु रविदास जी की कृपा से बच भी गई हूँ और तेरे सामने खड़ी हूँ। सामने खड़ी हो? मैं तुम्हें अपने महल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं? तुम जाओ मेरे सामने से, चली जाओ। मेरी बातें सुन के किस सोच में डूब गए महाराज? रामधारी, सोच तो हम बहुत गहराई से रहे हैं, मगर उसकी था तक नहीं पहुंच पा रहे। समझ में नहीं आ रहा कि हम मीरा का क्या करें, वो रविदास की शिष्य बन गई है अब तो। बस छोटे महाराज, यही तो मैं चाहता था कि तुम रविदास को ही खत्म कर डालो, मीरा अपने आप होश में आए। पर हम रविदास को कैसे मरवाएंगे, उस पर तो किसी की पार ही नहीं बसती। बसेगी छोटे महाराज, जरूर बसेगी। एक शक्ति है जो रविदास को मिटा सकती है, और वो है बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ? आपने बिल्कुल ठीक बताया, वो रविदास को जरूर ठिकाने लगा देंगे। फिर देर किस बात की है छोटे महाराज, आप उन्हें याद करें और काम तमाम करा दे रविदास का। अच्छा तुम जाओ पंडित जी। ठीक है मैं चलता हूँ। आपके गुरुजी ने आपके लिए काशी से फूलों का हार भिजवाया है। महाराज कैसे याद किया? मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे निराश नहीं किया। तुमको कैसे दर्शन नहीं देते राजकुमार विक्रम, तुम तो हमारे परम भक्त हो। कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हमारे कुल की लाज बचा लो गुरुदेव, रविदास नाम का चमार साधु है, उससे हमारा पीछा छुड़वाएं। पीछा छुड़वाएं? पीछा छुड़ाना क्या होता है, हम उसे भस्म कर देंगे। आपने ठीक कहा गुरुदेव, अपनी शक्ति से उसे भस्म कर दो। समझ लो भस्म हो गया।
ये कहाँ से आ गया? इसको तो मैंने आग में जला दिया था, ये यहाँ कैसे आ गया? परेशान होने की जरूरत नहीं है गोरख, अभी मेरा काम इस पृथ्वी पर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कोई नहीं। सतगुरु रविदास जी, आप मुझे क्षमा करें, मैं अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था। मैंने सोचा था कि मुझसे ज्यादा शक्तियाँ किसी में नहीं है, इसलिए यही तो तुम्हारी भूल है गोरख। इतना भी नहीं समझे कि इस सारे जहान में उस सर्वशक्तिमान की ही शक्ति चलती है। हाँ गोरख, हम और तुम उसी शक्ति का रूप है जिसे मालिक ने मानव कल्याण के लिए भेजा है। यदि तुम उस मालिक की दी हुई शक्ति को इधर उधर नष्ट करोगे तो वो मालिक रुष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम अपनी शक्ति को मानव कल्याण में लगाओ और जग में अमर हो जाओ। मुझे आपने जो ज्ञान दिया है मैं आपका आभारी हूँ, और आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। उठो गोरख, जाओ गोरख, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो गुरुदेव। हो गया रविदास का काम तमाम। विक्रम, रविदास कोई साधारण संत नहीं है, वो ईश्वर के अवतार है, वो मानव कल्याण के लिए ही धरती पर आए हैं, ये सब तुम भूल जाओ। हाँ, ये सब तुम भूल जाओ और रविदास को मारने का ख्याल छोड़ दो। नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो तुम्हें एक दिन इसका दुष्फल भोगना पड़ेगा, और तुम्हें उस दुष्फल से कोई नहीं बचा सकता।